मैं जा रहा था सेक्टर 22 के रोड से, इतने में मुझे दिखा भाई ये मोमोज का ठेला, यहाँ पे अंकल जी खड़े होके मोमोज बेच रहे थे। तो एक बार चलते हैं। अंकल जी राम राम। राम राम जी। क्या नाम होगा आपका? राम। अच्छा कितने टाइम से लगा रहे हो अंकल यहाँ पे ये ठेला? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। क्या क्या चीज रखते हो? चाप रोल, फिंगर मोमोज। और क्या क्या रेट का रखे? चाप 30 रुपए प्लेट है, मोमोज 30 रुपए प्लेट है, और मंचूरियन भी है 20 रुपए प्लेट है, मंचूरियन 20 रुपए प्लेट है। चलो ठीक है, बस एक बार टाइमिंग बताओ, टाइमिंग क्या होती है आपकी खड़े होने की? टाइमिंग 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। चलो लगा के दिखाओ कुछ ना कुछ, मोमोज लगा दो या रोल लगा दो, चाप लगा दो, जो आपका मन करे वो लगा दो। ये क्या लगा रहे हो? मोमोज लगाओ, मोमोज लगाओ, और जितने का मन करे उतने का लगा देना, बस इतने के लगाना कि मेरा पेट ना भरे बस। अभी आ गए अंकल के मोमोज, ये स्टीम मोमोज है ना अंकल? ये स्टीम मोमोज है भाई, ये लो जी। ये आ गई चटनी, चटनी घर पे बनाते हो अंकल, बाहर से बनती है ये बताओ? घर पे बनाते हो, ये अच्छी बात है। और ये कौन कौन सी चटनी है अंकल? ये हरी वाली चटनी है। हरी वाली चटनी, लाल वाली चटनी, ठीक है। और ये एक और लाल रख रखी है तुमने, ये स्पाइसी वाली। अच्छा अच्छा, एक्स्ट्रा स्पाइसी, इसको स्पाइसी करना होगा, ठीक है जी। ये आ गई म्यूनिस, म्यूनिस तो मार्केट वाली है, मार्केट वाली। चलो जी म्यूनिस भी डाल दो जी। ये आ गई जी म्यूनिस। तो क्या रेट हो जाएगा अंकल इसका सबका? 20 रुपए प्लेट। तो जी ये आ गई फिंगर, ये लो जी फिंगर भी हो गए। तो अंकल मैंने देखा ये बच्चा 10 रुपए के मांग रहा, तो 10-20 रुपए के भी दे देते हो? तो भाई साहब ये छोटी दुकान का ना सबसे बढ़िया फायदा पता क्या होता है कि 10-20 रुपए के भी मिल जाते हैं। वैसे तो हालांकि अंकल की दुकान छोटी सी है। तो भाई ये छोटा खड़ा था, क्या नाम होगा भाई तेरा? अच्छा कितने टाइम से आ रहे हो तुम अंकल के पास? जब से दुकान खुली है। कैसा टेस्ट लगता है? 8 साल हो गए। टेस्ट कैसा लगता है इनका? तो भाई साहब टेस्ट बहुत बढ़िया है। एक बार आना, और वो लोकेशन होगी सेक्टर 20 वाला जो रोड है, यहाँ पे खड़े होते हैं, और बाकी 10-20-50 जैसा आपका मन करे वैसे ही दे सकते हैं। 10 रुपये से शुरुआत है और 50 रुपये तक लगवा सकते हो, फिंगर मोमो चाउमिन जो भी है सब कुछ है इनके पास।